हाय गाइस, मिस्टीरियस यूट्यूब चैनल के एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, इस समय उमस और बरसात का मौसम चल रहा है, हर जगह चिप चिप और नमी बनी हुई है। तो गाइस, इसी चिप चिप और नमी को देखते हुए मेरे मन में एक साइंटिफिक ख्याल आया कि क्यों ना इस नमी और ह्यूमिडिटी को मेज़र किया जाए। तो गाइस, उसी के चलते आज मैंने मंगाया है ये हाइग्रोमीटर। गाइस, ये होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेस्टर। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है और आप इसको कैसे मेज़र कर सकते हैं। साथ में मैं ये भी बताऊँगा कि जो ये हाइग्रोमीटर है उस रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कैसे मेज़र करता है। गाइस, अब बारिश का मौसम चल रहा है और आप चाह रहे होंगे कि बारिश होने वाली और हमें पहले से अनुमान लग जाए कि बारिश होने वाली है आज के दिन में, तो इसके लिए भी हाइग्रोमीटर को यूज़ किया जाता है एक वेदर फोरकास्ट टूल के रूप में। तो गाइस, आज मैंने वही हाइग्रोमीटर लिया है और आज की वीडियो का पर्पस बनाने का यही है कि मैं आपको हाइग्रोमीटर दिखाना चाहता था और आपको ये बताना चाहता था कि इसका पीछे का साइंटिफिक मतलब प्रिंसिपल क्या है, ये वर्क कैसे करता है। तो गाइस, पहले तो आप ये देखिए हाइग्रोमीटर, इसमें ऊपर टेम्परेचर मेजरिंग हो रही है और नीचे की तरफ इसमें जो है ह्यूमिडिटी मेजर हो रही है। तो गाइस, पहले आप ये इंस्ट्रूमेंट देखिए, ये एनालॉग हाइग्रोमीटर है, इस टाइप के डिजिटल हाइग्रोमीटर भी आते हैं इसमें। तो गाइस, पहले ये देखिए, ये है गाइस हाइग्रोमीटर और इस समय जो ये टेम्परेचर दिखा रहा है अप्रोक्स मेरे रूम का है 30 डिग्री सेल्सियस और इस समय रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70 है। कल जब मैंने मेज़र किया था तो ये अप्रोक्स 64-65 के करीब आई थी रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेरे रूम पे, और आज जो है ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। कल मतलब आप बोलेंगे कि आज मंगाया, लेकिन मैंने कल ही मंगा लिया था इसको, तो कल से मैं इसको मेज़र कर रहा हूँ लगातार तरह तरह जगह पर जाकर कि कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसमें बनी हुई है। तो गाइस, इस समय जो मेरे रूम की रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 70% और टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। तो अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 85 या 90% के ऊपर कभी होने लगती है तो उस केस में आप समझ लीजिए कि बारिश होने वाली है। अब गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि ह्यूमिडिटी जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी में, जो आपको ह्यूमिडिटी है नमी है, उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्यों मेज़र किया जाता है। तो गाइस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब ये नहीं है कि कितनी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है पर किलोग्राम एयर में, एटमॉस्फेयर में, इसका ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। गाइस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मीनिंग होता है कि जो कितनी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जा सकती है उस टेम्परेचर के लिए। हर एक टेम्परेचर के लिए अलग अलग होती है कि इस टेम्परेचर पर पर्टिकुलर इतनी वाटर वेपर जा सकती है पर किलोग्राम एयर में, इस टेम्परेचर पर इतनी जा सकती है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मान लीजिए कि 60% है, तो उसका मतलब गाइस ये हो गया कि 60% उस टेम्परेचर पे मौजूद है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि जितनी उसमें एकोमोडेट हो सकती है उसकी 60% मौजूद है। अगर 40% और बढ़ जाती है उस टेम्परेचर के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो गाइस जो ये कपड़े हैं ना सूखना बंद हो जाएंगे अगर आप इसे टांग देंगे खुले एटमॉस्फेयर में, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो गई। तो गाइस, ये जो मीनिंग होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का होता है, अब मोटा मोटा यही मीनिंग होता है। तो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हाइग्रोमीटर वर्क कैसे करता है। गाइस, हाइग्रोमीटर बेसिकली दो तरह से बनाए जा सकते हैं। पहला हाइग्रोमीटर क्या होता है कि एक ह्यूमन हेयर को लिया जाता है उसमें, और ह्यूमन हेयर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो मॉइस्चर के प्रेजेंस में एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है कम ज़्यादा होने पर। तो गाइस, उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हाइग्रोमीटर बनाए जाते हैं कि जो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितनी मॉइस्चर है उसके अकॉर्डिंग जो आपका ह्यूमन हेयर है वो एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब गाइस, एक दूसरे तरीके से ह्यूमन जो है हाइग्रोमीटर बनाए जाते हैं, उसके लिए क्या किया जाता है, पहले आपको एक थर्मामीटर लेना होता है। ये मैं आपको बिल्कुल मोटा मोटा बता रहा हूँ, बिल्कुल मतलब ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो एक थर्मामीटर लेना होता है, उसमें हाइग्रोमीटर में इनबिल्ट होता है, जैसे इस केस में इस हाइग्रोमीटर में इनबिल्ट है, और एक दूसरा थर्मामीटर होता है जिसकी जो नोब है, यानी कि जहाँ पे टेम्परेचर मेजर करने के लिए उस नोब को जिस पोजीशन पे लगाना होता है, यानी जो नोब लगाई जाती है उसको हम थोड़ा गीला वेट करके रखते हैं, और उसके लिए एक लिक्विड कंटिन्यूस सप्लाई किया जाता है, क्योंकि जो वेट तो परमानेंट नहीं रहेगा, वो वेपोराइज होता जाएगा धीरे धीरे। तो क्या होता है, एक का इस थर्मामीटर हो गया, और एक ऐसा थर्मामीटर जिसका जो नोब है, यानी जहाँ से टेम्परेचर को, जो पारा जहाँ से टेम्परेचर को लेता है उसको हम गीला करके रखते हैं, वेट करके रखते हैं गाइस। तो दोनों केस में टेम्परेचर आता है, एक में थर्मामीटर नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है वो बताएगा, और वेट वाला वो टेम्परेचर बताता है कि जो रूम टेम्परेचर है। तो गाइस, अगर एयर ठंडी हुई तो वो कुछ एनर्जी देगी और वो सेम एनर्जी यूटिलाइज की जाएगी उस जो वेट है उसके ऊपर की मॉइस्चर को वेपोराइज करने के लिए। तो एक एनर्जी बैलेंस बना, मतलब एनर्जी बैलेंस रहेगा कि एयर जो है रूम की वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ठंडी हुई, उसने एनर्जी दी और सेम एनर्जी यूटिलाइज की गई जो वेट लोब थी थर्मामीटर की, उसमें जो मतलब कि वेट
वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसको वहाँ से वेपोराइज कराने के लिए सेम एनर्जी यूज़ करी गई। तो गाइस ये इसको बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर, आप मोटा मोटा ही समझ लीजिए। अब ड्राई बल्ब टेम्परेचर आ जाता है, ड्राई बल्ब मतलब कि जो रूम का टेम्परेचर है वो, और एक वेट बल्ब, इन दोनों टेम्परेचर की मदद से एक टेबल कैलिब्रेट करी जाती है। क्योंकि हमें मॉइस्चर और एयर के केस में सिर्फ दो प्रॉपर्टी चाहिए होती हैं जो हम डिसाइड कर लेते हैं, तो उससे हमें हर की मतलब ह्यूमिडिटी कितने परसेंट है सब अंदाजा लग जाता है। वैसे तो तीन चाहिए होती हैं, लेकिन प्रेशर जो है फिक्स रहता है तो उसकी एक प्रॉपर्टी वो फिक्स हो जाती है, और उसके अलावा दो हमें और चाहिए होती हैं। अब ये दो प्रॉपर्टी हो गई रिलेटिव ह्यूमिडिटी को लेकर, ये जो है दो प्रॉपर्टी। अब दो अब आपको पास मिल गए, यानी आपके पास रूम टेम्परेचर आ गया और जो थर्मोमीटर जिसका बल्ब वेट है उसका टेम्परेचर आ गया। अब उन दोनों टेम्परेचर की मदद से एक चार्ट होते हैं, उनसे हम कंपेयर करा के देखते हैं, जो इस डिवाइस में सब ऑलरेडी पहले से कैलिब्रेट कर दिया जाता है, तो उससे जो है ये आपको रूम की रिलेटिव ह्यूमिडिटी बता देता है। तो गाइस रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताने के यही दो तरीके होते हैं बेसिकली। तो गाइस बस आज के लिए बस इतना ही। आप इस समय जो मेरे रूम की जो RH है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को RS से डिनोट करते हैं कि कितनी नमी है, 70% है, यानी कि हल्का हल्का क्लाउडी है यहाँ पे। अगर क्लाउडी थोड़ा और बढ़ेगा तो ये 80% 90% होगी, और अबव अगर 90% होने लगती है 92% तो उस केस में बारिश होने शुरू हो जाती है और कपड़े आपके नहीं सूख पाते हैं। और ऐसा मौसम गाइस जो कूलर होते हैं उनके लिए भी बिल्कुल उपयोगी नहीं होता, क्योंकि कूलर तभी प्रॉपर वर्क कर सकते हैं जब ह्यूमिडिटी बहुत कम हो, यानी कि 60% 50% से कम हो। हाँ गाइस एक नॉर्मल अवधारणा है कि जो ह्यूमिडिटी है वो 60% काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन गाइस ऐसा कुछ नहीं है। 40-60% ह्यूमिडिटी एक गुड ह्यूमिडिटी मानी जाती है जो ह्यूमन के लिए कंफर्ट के लिए ज़रूरी होती है। 30% से कम होने पर इरेडिएशन आने लगता है। हाँ गाइस एक कमाल का एक्सपेरिमेंट मैं आपको इसके ऊपर के प्लास्टिक पे और करके दिखाना चाहता हूँ, ये मैंने कल ट्राई करके देखा तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखिए क्या करता हूँ गाइस, मैं इसके ऊपर पानी डालता हूँ। ये देखिए गाइस ये ह्यूमिडिटी मीटर है, हाइग्रोमीटर बोल सकते हैं इसे। इसके ऊपर मैं पानी की थोड़ी बूंदें डालता हूँ। ये देखिए गाइस मैंने अब इसके ऊपर जो है पानी को डाल लिया है। अब देखिए गाइस क्या कमाल का इसके ऊपर का जो प्लास्टिक है, अब ये देखिए मैं फूंक मारूंगा पानी जाएगा, और ये बिल्कुल भी जहाँ से पानी हट जाएगा वहाँ बिल्कुल भी वेट नहीं होगा लगाने पे, ऐसा लगेगा बिल्कुल सूखा था वहाँ, कुछ हुआ ही नहीं, पहले पानी डला ही नहीं है मान लीजिए, ऐसा होगा। देखिए गाइस गाइस ये देखिए मैंने इसके ऊपर का सभी पानी हटा दिया। अब देखिए गाइस ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि कुछ हुआ ही नहीं, एकदम सूखा सूख गया है, मतलब पानी इसके ऊपर से ऐसा निकल गया जैसे पानी ना हो गया, ये पारा हो। अब पारे का गाइस प्रॉपर्टी ये होती है किसी चीज़ के ऊपर मान लीजिए यहाँ पे मेज पे हम डालेंगे तो उसको वेट नहीं करता, चला जाता है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करिए। और मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।